गांव वाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। गांव वाणी टीम से आप सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं को भी धन्यवाद। आज हम फिर रूबरू होने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी सफलता के मुकाम से अपनी सफलता हासिल की है। ऐसे गांव वाणी स्टूडियो का जो ये शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है गांव के ऐसे शख्स जिन्होंने अभी अपनी कहानी कहीं किसी मंच पर साझा नहीं की हो या फिर उन्हें मंच प्रदान नहीं किया गया हो, ऐसे शख्स आज हम रूबरू होने जा रहे हैं मैनपुर ग्राम से पिंकी देवी। तो हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पिंकी जी। तो आज हम इनकी जुबानी इनकी कहानी सुनेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मेरा नाम पिंकी देवी है, मैं मैनपुर से रहने वाली हूँ। हम 10 वीरवाने का समूह चलता है। हम 200 रुपए की बचत करते हैं और मेरा समूह का नाम हैप्पी है। मेरे घर पे 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं। पहले 5 किलोमीटर दूर पेंसिल निकालने के लिए जाते थे, अब मेरे पास आते हैं और मैं बुजुर्गों की पेंसिल निकालती हूँ, सब खुश रहते हैं। अब जैसे गांव में 5-7 किलोमीटर दूर बाहर चलकर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, खास करके लड़कियां जो उन्हें मतलब घर वाले भेजते नहीं थे पढ़ने के लिए, आज वो आपके खुद के कंप्यूटर सेंटर पे और खुद के गांव में पढ़ने के लिए आती हैं, तो आप उनको शिक्षा प्रदान कर रही हैं, तो उनके परिवार वाले और फिर आपका कैसा सुझाव है? हाँ, हमारे उसके परिवार वाले बहुत खुश हैं कि हमारे गाँव में ही कंप्यूटर का सेटअप लगाया है और यहाँ पास ही सिखा देते हैं। अब और जैसे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे आपने अपनी सफलता की कहानी अपने मुकाम पे हासिल की है? हमारे गांव में कंप्यूटर का ये सेटअप लग रहा है तो गांव की लेडीज आती हैं और यहाँ लड़कियां पढ़ने आती हैं, हम उसको कंप्यूटर सिखाते हैं और पेंसिल निकालते हैं और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आपके यहाँ कंप्यूटर सेटअप होने के बाद में आप गांव के बुजुर्गों को पेंशन वगैरह कंप्लीट काम कर रही हैं, उसके बाद में जैसे पहले और अब में आपके गांव वालों के प्रति मतलब आपके प्रति गांव वालों का क्या सुझाव है? गांव वालों का सुझाव है भाई, बढ़िया से गांव के गांव में अपना पेंशन मिल रही है, खुश हो रहा है, बूढ़ा बड़ा कटवा ले जाए। अब हम अपनी जुबानी अपनी कहानी पिंकी जी से सुनी है, अब हम धन्यवाद देना चाहेंगे पिंकी जी को जो अपनी सफलता की कहानी आपके सामने साझा की। अब मैं धन्यवाद देती हूँ पिंकी जी को गांववाणी स्टूडियो के दरियल और प्रोग्राम में अपनी कहानी साझा करने के लिए। महिलाओं को पिंकी जी संदेश देना चाहती है कि जैसे महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और आगे आकर अपने हुनर को दिखाएं और अपने काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्ते।